देखो बेटा, पिछले टर्न पर अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, मैंने ये आपको बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में बताया था, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में बताया था, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन लिखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन से पहले, प्री मतलब होता है पहले, है ना, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या लिखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद, तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होंगे वो कहलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी अपन यहाँ पर लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं, गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर, ये मैंने आपको बात बताया था, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट क्या होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन के मैंने क्या बताया थे आपको, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर, ठीक है। गैमिटोजेनेसिस मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था, गैमिटो मतलब होता है गैमिट्स, है ना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, तो गैमिट का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, गैमिट का फॉर्मेशन जो होता है, मेल गैमिट जो होगी कहां पर बनेगी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनेगी, ठीक है, और फीमेल गैमिट कहां बनेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनेगी, ठीक है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी, गैमिट्स कहाँ फॉर्म होंगी, मैंने आपको बताया था मेल गैमिट जो होगी वो टेस्टिस के अंदर फॉर्म होगी, ठीक है। मेल गैमिट कौन सी होगी बेटा, स्पर्म, है ना, सभी जानते होंगे स्पर्म को, तो ये मेल गैमिट जो होगी वो कहाँ पर बनेगी, ठीक है, टेस्टिस वगैरह के अंदर बनेगी, मैंने आपको बताया था, और फीमेल गैमिट जो होंगी वो मैंने आपको बताया था किसमें बनेंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल गैमिट कहाँ बनेंगी बेटा, फीमेल गैमिट का मैंने, फीमेल गैमिट मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, फीमेल गैमिट को क्या क्या कहा था, ओवा या फिर एग, ठीक है, क्या बताया था, ओवा या फिर एग, ठीक है, और मेल गैमिट को क्या कहते हैं अपन, स्पर्म, मेल गैमिट को क्या कहते हैं, स्पर्म, स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमिट को मैंने क्या कहते हैं, ओवा या फिर एग, ठीक है, ओवा या फिर एग, ये कहां पर बनता है, ओवा या फिर एग जो होता है कहां पर बनता है बताओ, ये कहां बनता है, ये बनती है ओवी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, कहाँ बनता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ओवरी में भी तो मेड होता है ये। हाँ, ओवरी ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, ओवरी ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये बात ध्यान में रखना, ओवरी कह लो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लो, ठीक है, ओवरी या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बात है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। चलो अब सुनो, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था, गैमिटो यानी गैमिट, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन यानी बनना, गैमिट्स का बनना, ठीक है, गैमिट्स का बनना, फॉर्म होना, गैमिट कहाँ बनेंगी, मेल गैमिट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, टेस्टिस में, ठीक है, मेल गैमिट जो होंगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेंगी, और फीमेल गैमिट जो होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगी, जिसे अपन कहेंगे ओवरी, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा टेस्टिस क्या कहलाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, टेस्टिस जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं, मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, और इनके अंदर क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है, स्पर्म क्या रहता है, स्पर्म इनके अंदर बनता है, ठीक है, स्पर्म इनके अंदर बनते हैं, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए रहता है, ये आपके लिए एक नॉलेज और इंपॉर्टेंट बात है, ये आ चुकी है ये, ठीक है, कई बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है, कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, मान के चलो बॉडी टेम्परेचर कितना है हमारा, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, और जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, वो जो स्पर्म इसके अंदर फॉर्म होता है टेस्टिस के अंदर,
तो टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर जो होता है, जो मेंटेन होता है, वो होता है लगभग लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, लगभग लगभग किसके अंदर बेटा, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। 37 क्या है, बॉडी डिग्री, बॉडी टेम्परेचर है, ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, बॉडी टेम्परेचर है बेटा, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर कितना, 35 डिग्री सेल्सियस, तभी इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। तो हमेशा स्पर्म बनने के लिए कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, तो लगभग लगभग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन होगा, किसमें, मेल के अंदर, ये बात ध्यान में रखना। तो ये है गैमिटोजेनेसिस, यानी गैमिट्स का बनना, ठीक है। अब बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे गैमिट ट्रांसफर के बारे में, आज किसके बाद बात करेंगे, गैमिट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज अपना मेन टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, गैमिट ट्रांसफर, ठीक है। यानी अपन ने क्या कर दिया था, पिछले टर्न पर गैमिट्स को बना दिया था, गैमिट्स का फॉर्मेशन करा दिया था, मेल गैमिट को बना दिया था, ठीक है, मेल गैमिट को बना दिया था टेस्टिस के अंदर, मेल गैमिट स्पर्म को बना दिया था, ठीक है। मेल गैमिट का दूसरा नाम क्या है, मेल गैमिट को अपन स्पर्म भी कहते हैं और एंथेरोजॉइड भी कहते हैं, मैंने एक बात बताई थी, याद करो, मेल गैमिट को क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं और क्या कहते हैं, एंथेरोजॉइड, ये बात ध्यान रखना, एंथेरोजॉइड, ठीक है। तो ये अपन ने बना दिए थे कल, ठीक है, गैमिट का फॉर्मेशन करा दिया था, आज अपन गैमिट का ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है, गैमिट्स को ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है। यानी ठीक है, मेल गैमिट को आज जो है किसको क्या करेंगे बेटा, आज अपन ने मेल गैमिट फीमेल गैमिट बना दी, अब अपन क्या करेंगे, मेल गैमिट को किसके पास पहुंचाएंगे, मेल गैमिट को किसके पास पहुंचाएंगे, फीमेल गैमिट के पास, ठीक है। और ये पास जाकर क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, आपस में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब सुनते जाना सर, एंथेरोजॉइड्स तो प्लांट्स के लिए कहते हैं ना, हाँ, एंथेरोजॉइड जो होता है ये एक कॉमन टर्म है, अभी अपन आगे बताऊंगा, एंथेरोजॉइड जो है ये एक कॉमन टर्म है, ठीक है, ये जनरली प्लांट्स और फंगस के लिए कहा जाता है, अभी अपन पढ़ेंगे, प्लांट हुए, एल्गी हुए, ठीक है, इनके लिए भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, अब अपन बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स का मतलब क्या होता है, इसे अपन गैमिट ट्रांसफर भी कहते हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ गैमिट एक ही बात है, ठीक है। अब सुनना इस बात को कि क्वेश्चन क्या आएगा, ये पॉइंट्स हैं आपकी बुक के, ठीक है। अब इनमें क्या क्वेश्चन उठेंगे, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन एक ये आएगा आप में, ये बन सकता है, सुनना ढंग से कि भाई कौन से ऐसे प्लांट हैं या जो है फंगस, कौन सी ऐसी हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमिट दोनों के दोनों मोटाइल हैं, दोनों के दोनों क्या है, मोटाइल है। क्वेश्चन सुनना क्या आएगा, इन विच ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमिट इज मोटाइल, फीमेल गैमिट इज मोटाइल, ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बोर्ड के लिए, ठीक है, क्या, इन विच ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमिट इज मोटाइल, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, जनरली क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि मेल गैमिट जो होता है, मेल गैमिट के अंदर, ये मेल गैमिट है स्पर्म, ठीक है, मेल गैमिट क्या है, स्पर्म, ठीक है। ये जो स्पर्म होता है ये क्या होता है, मूव करता है, क्यों मूव करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला होता है, क्या होता है, ये क्या है बेटा, फ्लैजिला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, टेल है, इसे टेल भी कहते हैं या फ्लैजिला कहेंगे, ठीक है। अब सुनना, ये क्या करता है, मूव करता है स्पर्म, क्या करता है, स्पर्म मूव करता है, ठीक है। अब लेकिन जो ओवा रहता है, एग रहता है, इसके अंदर कोई फ्लैजिला वगैरह कुछ नहीं रहता बेटा, ये बात ध्यान रखना, कोई फ्लैजिला इसके अंदर नहीं रहता, ठीक है, तो ये मूव नहीं करता। और एक बात और सुनो, मैं एक दो बात आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, फ्लैजिला जो है, पूरी फ्लैजिला एक बड़ा लंबा एक स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है, मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, क्या पॉसिबल हो पाता है, मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, पूरी की पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी में,
क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी की पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ऐसा एक ही सेल है, सिर्फ ऐसा एक ही सेल है, ठीक है। ऐसे एक ही सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होता है। वो कौन से ऐसे सेल होते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है, स्पर्म। बाकी सेलों में फ्लैजिला, अपन की पूरी बॉडी के अंदर फ्लैजिला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला किस में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में मिलेगा, ये बात आपके लिए नई है। दूसरी बात, ये जो है ओवम कहलाएगा, ये क्या है, ओवम या फिर एग, ठीक है। ये क्या है, ओवम या फिर एग, इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड थर्ड चैप्टर में अपन, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन थर्ड चैप्टर में, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, ठीक है। वो जनरल बात है कि ये जो एग है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल है बेटा। ये ओवम या फिर एग क्या है, सबसे बड़ा सेल है पूरी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये दो आपके लिए बात जो है मैंने बता दी, जनरल बात है जो आपकी बुक में नहीं थी, पूरी बुकों में नहीं थी, पूरी 12th बुक में नहीं थी, लेकिन एक क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, तो ये लार्जेस्ट सेल है ओवम, ठीक है। और स्पर्म क्या है, द ओनली सेल, सिर्फ ऐसा अकेला सेल है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ऐसे अकेले सेल्स है ह्यूमन बॉडी की जिनके पास क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। मोटाइल स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला किस काम में आता है, मूव करने के काम में आता है। किस काम में आता है, मूव करने के काम में आता है। चलो बैक टू अपने क्वेश्चन पहुंचते हैं, बैक टू क्वेश्चन। इन विच ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमिट इज मोटाइल, ठीक है। जनरली क्या होता है, मेल गैमिट जो होती है वो मूव कर पाती है। मोटाइल का मतलब होता है एम फॉर मोटाइल, एम फॉर मोटाइल, एम फॉर मूव, एम फॉर मूव, मूव करना, मोटाइल यानी मूव, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मोटाइल या फिर मूव करो, मूव कर सकता है, ऐसा कौन सा गैमिट, ठीक है। तो अब क्या है, मेल गैमिट तो हमेशा मूव करता है, ये बेटा फ्लैजिला है उसके अंदर। लेकिन फीमेल गैमिट जो है, फंगस की जो फीमेल गैमिट है और एल्गे की जो फीमेल गैमिट है, क्या बोल रहा हूँ सुनना ढंग से, क्या बोल रहा हूँ, फंगस की और एल्गे की जो फीमेल गैमिट है, ये इन दोनों की फीमेल गैमिट जो होती है, ठीक है। फीमेल गैमिट भी क्या होती है, फीमेल भी इसकी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ये बात ध्यान में रखना। किसमें, फंगस और एल्गी में, ठीक है। क्या एनिमल में, क्या एनिमल में फीमेल गैमिट मूव करती है, क्या नहीं मूव करती, ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन आ गया समझ में, ये आपकी बुक की लाइन है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। देखो क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि सुनो, अब क्या होता है, ये बात समझ में आती है कि भाई मेल गैमिट जो है मूव करती है, ठीक है। क्या करती है, मेल गैमिट मूव करती है, ठीक है। ये बात अपन को पता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें, ठीक है, एनिमल, ठीक है, किसमें, ऐसे ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ऐसे कौन से प्लांट, एक क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सुनना ढंग से, इस लाइन से क्या क्वेश्चन उठेगा कि क्वेश्चन सुनो इस लाइन के लिए, क्वेश्चन इस लाइन के लिए यह आएगा कि इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स विच गैमीट कैन मूव इन वाटर, कैन मूव इन ब्लड वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा बेटा आपके में, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर कौन सी ऐसी, देखो प्लांट्स के अंदर कौन कौन आता है पहले तो ये देख लो। 11th में आपको बताया होगा प्लांट के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट के अंदर ये सारे के सारे आते हैं, इस तरीके के थैलोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है बेटा। ये फाइटा लगाए ना, फाइटा वर्ड जो होता है किसको बताता है, फाइटा वर्ड ही बताता है प्लांट को, ये बात ध्यान रखना। फाइटा वर्ड किसको बताता है, प्लांट को बताता है, ठीक है। तो ये क्या है, इतने टाइप के प्लांट होते हैं, ये अपन ने 11th में पढ़े हुए हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सारे के सारे अपन ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये जैसे थैलोफाइटा के अंदर आती है एल्गी। सर एल्गी, एल्गी प्लांट में आती है क्या, हाँ एल्गी प्लांट में आती है, ये बात ध्यान रखना। एल्गी को प्लांट में रखते हैं अपन, ठीक है। ये जो हरी हरी कलर की जो काई होती है, ठीक है, पानी में जो रहती है ना, वो प्लांट में रखी जाती है, इस बात को ध्यान में रखना, प्लांट किंगडम में रखी गई है। दूसरी बात, एंजियोस्पर्म, ठीक
ठीक है, ये क्या है, एंजियोस्पर्म कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को अपन कहते हैं एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कौन कौन से, ये सारे जो आप देखते हो ना जनरली, जनरली ये वाले प्लांट्स आप देखते हो, ठीक है, लोटस, ठीक है, और कौन सा फ्लावरिंग प्लांट देखते हो, ठीक है, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है इसके अंदर रखे जाते हैं, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट है बताओ, लोटस, ठीक है, और सनफ्लावर, ठीक है, ये सारे, इनके अंदर फ्लावर मिलता है, सनफ्लावर का फ्लावर होता है, ठीक है, लोटस फ्लावर, ठीक है, जास्मिन, ये सारे के सारे जो फ्लावर वाले प्लांट्स है वो एंजियोस्पर्म में रखे जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पांच तरीके के आप प्लांट याद रख लो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पांच तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये अपन 11th में पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलो अब सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन ये आएगा इससे, कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर, जिनमें क्या होती है, मेल गैमिट जो होती है पानी में मूव करके आती है, ठीक है, वो सुना होगा तुमने डायलॉग, सात समुंदर पार में तेरे पीछे आया हूं, है ना, तो यही है बेटा, यही है, ये सात समुंदर पार करके पानी में तैरता हुआ कौन आया बेटा, मेल गैमिट आया है, ठीक है, कौन आया है, मेल गैमिट आया है, किसके पीछे, फीमेल गैमिट के पीछे, पानी में तैरता हुआ। क्या हमारे में जो, क्या हम ह्यूमंस में, क्या ह्यूमंस में स्पर्म जो होता है क्या तैरता हुआ आता है क्या, नहीं ना, हमारा स्पर्म जो है क्या तैरता है, क्या पानी में तो नहीं तैरता, तैरता ना, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सिर्फ प्लांट में किसके अंदर तैरता है, प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट में किस किसके अंदर तैरता है, एल्गे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। सर एल्गे को क्या हम थैलोफाइटा कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हो, एल्गे को थैलोफाइटा भी कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, एल्गे को थैलोफाइटा भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें क्या होता है, जो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें जो है मूव करके आता है, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई, यानी ऐसे याद रखना भाई, ऐसे याद रखना, सुनना ये सुनो, ऐसे याद रखोगे, देखो ऊपर के जो तीन प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जो ऊपर के तीन प्लांट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है, जो है इनमें क्या होता है, जो ये जो स्पर्म होता है या मेल गैमीट जो होता है पानी में तैर कर आता है, क्या किसमें आता है बेटा, पानी में तैरता हुआ आता है, क्योंकि ये जनरली कहां मिलते हैं, पानी में या फिर पानी के आसपास मिलेंगे। क्या एल्गे पानी में नहीं मिलती, हाँ सर पानी में मिलती है, तो लगभग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा भी पानी में मिलेंगे या पानी के आसपास मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये पानी में नहीं उगते प्लांट जनरली, ठीक है, धरती पर उगते हैं, तो क्या 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 मेल गैमीट, क्या मेल गैमीट धरती से चक्कर पानी में जाएगा और फिर पानी से चक्कर धरती पे आएगा, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो इनमें ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये जो है, ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जनरली अपने वाटर बॉडीज के अंदर, सॉरी टेरेस्ट्रियल बॉडी के अंदर, टेरेस्ट्रियल बॉडी मतलब जमीन के अंदर, जमीन पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जनरली पाए जाते हैं पानी, वाटर बॉडीज के अंदर, इसलिए तैर करके आएगा बेटा, क्या आएगा, तैर करके आएगा वो मेल गैमीट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गई ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया लाइन, क्लियर हो गई वाली, ठीक है। तो एल्गे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट वाटर से आएगा, ठीक है, याद होना चाहिए, फीमेल गैमीट के पास पानी में तैर कर आएगा। चलो ये वाली लाइन क्लियर हो गई। अब तीसरा लाइन, तीसरी लाइन पे तीसरा क्वेश्चन क्या उठ सकता है, ठीक है। अब सुनो, जब जो भी क्या होता है, सुनो एक बात ये पूछा जाता है कि बेटा पानी तो बेटा बहुत बड़ा है, पानी तो समुद्र है, कहीं भी भटक जाएगा, कौन भटक जाएगा, मेल गैमिट जो होगा भटक जाएगा बेटा, ठीक है, मेल गैमिट तो कहीं भी भटक सकता है, ठीक है, उसको क्या कोई सिग्नल आ रहे हैं क्या कि यहाँ पर मुझे फीमेल गैमिट मिलेगी या मुझे फीमेल, ऐसा कोई ऐसे कोई सिग्नल मिलते हैं क्या, नहीं है ना, जनरली नहीं मिलते, तो फीमेल मेल गैमिट कहीं भी भटक सकता है,
ठीक है, इसलिए क्या करो, इसलिए क्या कर सकते हैं इस केस के लिए, इस केस के लिए क्या करते हैं अपन ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, ठीक है भटक जाएगा ऐसे तो, इसलिए ये इस लॉस हो जाएगा फिर, ठीक है। यहां पर एग है और स्पर्म जो है, ठीक है सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, ये बेटा एग है, ये स्पर्म है, ठीक है, इसको जाना था इसके पास बेटा, लेकिन बेचारा रास्ता भटक गया बेटा पानी के अंदर, पानी है ठीक है, हर जगह क्या है पानी है मान के चलो, इसको इसके पास जाना था लेकिन रास्ता भटक गया बेटा, ये इधर की तरफ इधर चला गया, इधर की जगह इधर चला गया बेटा, है ना, तो बेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। हाँ सर लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि ये मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास जाएगा ही नहीं, है ना, और अपन ने प्रोड्यूस क्यों किया था मेल गैमिट, कि भैया तू फीमेल गैमिट के पास जा, मेन अपना यही मकसद था कि मेल गैमिट को प्रोड्यूस किया ताकि फीमेल गैमिट के पास जाए, लेकिन बेटा ये रास्ता भटक गया बेटा, ठीक है क्या भटक गया, रास्ता भटक गया, तो अब क्या करें, ठीक है अब क्या करें, तो अब इस केस को लॉस को, लॉस तो हो गया, अब क्या करते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, यानी ज्यादा मेल गैमिट बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे ज्यादा मेल गैमिट अपन बनाएंगे, ज्यादा मेल गैमिट बनाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, चलो ये वाला रास्ता भटक गया, ये वाला स्पर्म रास्ता भटक गया, ठीक है ये वाला भी रास्ता भटक गया, ये भी जो है इधर चला गया, ठीक है ये वाला भी रास्ता भटक गया, इसको देख देख के ये वाला भी रास्ता भटक गया, लेकिन ये वाला तो था, ये वाला जाकर के क्या करेगा इसको जो है फर्टिलाइज कर देगा, ये वाला स्पर्म क्या करेगा इसको जाकर के फर्टिलाइज कर देगा, क्लियर है ये बात, तो इसलिए क्या करते हैं, समझ में आई ये बात, क्लियर समझ में आ गई, इसलिए क्या होते हैं मेल गैमिट जो होते हैं, मेल गैमिट जो होते हैं वो क्या होते हैं ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है वो क्या होते हैं मेल गैमिट क्या होंगे, मेल गैमिट जो होंगे बेटा, मेल गैमिट जो होंगे नंबर की बात कर रहा हूं नंबर में, ठीक है तो कहने का मतलब ये है मेल गैमिट जो होंगे, मेल गैमिट जो होंगे वो क्या होंगे, मेल गैमिट जो होंगे वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है नंबर में, नंबर में ज्यादा प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट के कंपैरिजन में, फीमेल गैमिट के कंपैरिजन में मेल गैमिट नंबर में क्या होंगे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और कितने कितने ज्यादा बेटा सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज्यादा होंगे, ठीक है आ रही बात समझ में, कई गुना सेवरल थाउजेंड, हजार गुना, कई हजार गुना ज्यादा, क्या है सेवरल मतलब कई हजार गुना, कई हजार गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा जो है प्रोड्यूस होंगे, ठीक है आ रही बात समझ में, जैसे एक एक अगर फीमेल गैमिट है तो अगर एक में एक फीमेल गैमिट है तो स्पर्म कितने प्रोड्यूस होंगे कई हजार गुना ज्यादा, एक है तो मतलब 5000 गुना, 10000 गुना, यानी ये 10000, 15000, 20000, मतलब बहुत ज्यादा गुना जो है मिलियन, ऐसे तो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं ये, है ना स्पर्म जो होते हैं मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, है ना ये बात ध्यान रखना, तो कई हजार गुना जो है ये प्रोड्यूस होंगे ज्यादा, ये आपको ये लिखना है ये कुछ आ सकता है कि कितने टाइम, ये बुक की लाइन है तो आपको एग्जैक्ट इतना ही लिखना है, मिलियन टाइम्स नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी फीमेल गैमीट के, ठीक है ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो गया ये बात। देखो दो फ्लावर, फ्लावर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, लिखना आपको ये यूनिसेक्सुअल, और एक होता है बायसेक्सुअल, ठीक है एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक बायसेक्सुअल, ठीक है अब सुनो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं, यूनिसेक्सुअल क्या होता है एक ही सेक्स होना चाहिए, यूनि यानी मैंने आपको बताया था यूनि यानी एक, ठीक है सेक्सुअल यानी सेक्स ऑर्गन, ठीक है तो एक ही सेक्स ऑर्गन होगा एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है सुनना ये एक फ्लावर होगा, ये क्या बेटा एक फ्लावर है, पिंक कलर का बनाते हैं यार, पिंकी पिंकी थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो ये पिंकी पिंकी बनाते हैं पिंक फ्लावर, बढ़िया है ना, ये पिंक फ्लावर है ये भी पिंक फ्लावर है, ठीक है तो ये इस फ्लावर में एक एक फ्लावर है, हाँ सर एक फ्लावर है, एक ही दिख रहा है ना, किसी को दो तो नहीं दिख रहे है ना, तो एक फ्लावर में आपको एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा, ठीक है ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा, कौन सा है मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ये मेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा, ठीक है और ऐसे ही बेटा इसके अंदर क्या मिलेगा, एक फ्लावर है तो एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा, या तो मेल या तो फीमेल बेटा, ये ऐसी ये फीमेल है बेटा, ये क्या है फीमेल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ये क्या हो जाएगा फीमेल होगी, ये फीमेल है, ठीक है ये बात ध्यान रखना, ठीक है आरी बात समझ में, ये याद रखना, तो बेटा ऐसे याद रखना उसको,
कि है ना ये मेल है फीमेल है, फीमेल कई बार भूल जाते हैं ये मेल है या फीमेल, तो ये बात ध्यान रखना फीमेल का क्या है पेट फूला हुआ है इस तरीके से, ऐसे याद रख लेना ठीक है, याद करने के लिए भूल मत जाना ठीक है, कुछ भी कैसे भी याद करो फिर से ठीक है। तो अब ये फीमेल है, एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल क्या होते हैं ठीक है, बायसेक्सुअल क्या होते हैं ये बात ध्यान रखना, बायसेक्सुअल यानी एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगी ठीक है, एक एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा ठीक है। तो ये कैसे होंगे, ये कैसे हो सकते हैं, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर हो सकता है ठीक है, इनके अंदर क्या हो सकता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है ठीक है, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है जनरली, और इनके अंदर क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सर अब ये क्या चीज बता रहे हो, नए नई तो सुनो ढंग से क्या बता रहा हूं मैं, पहली बात तो ये क्लियर है कि नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर है कि नहीं है कि यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, यूनि यानी एक, बाई यानी क्या होता है, बात ध्यान रखना बाई यानी दो, बाई यानी बेटा ये बी आई है, ये काम करने वाली बी ए आई नहीं है, बाई वो नहीं है, ये बाई बोल रहा हूं मैं, बाई बी आई, बी आई यानी दो, टू बेटा टू ठीक है, बाई यानी टू और सेक्सुअल यानी सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल यानी सेक्स ऑर्गन ठीक है। तो दो सेक्स ऑर्गन होंगे ठीक है, दो सेक्स ऑर्गन होंगे एक ही फ्लावर के अंदर ठीक है, दो सेक्स ऑर्गन इन वन फ्लावर ठीक है, इन वन फ्लावर ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मजे करेंगे ठीक है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर ठीक है। चलो अब क्या होगा इसमें देखो, अब एक कहानी सुनो क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन की ठीक है। देखो ये बेटा ये फ्लावर है, यस सर, इसमें क्या होगा, ये बायसेक्सुअल फ्लावर ले रहा हूं मैं एक ठीक है, ये हो गया, यहाँ से कहानी हो गई बेटा ये। अब सुनना यहाँ पर क्या होगा, ये एक फीमेल है ये एक मेल है, और ये क्या है बेटा फीमेल, ये एक फीमेल जो है पार्ट है, ये फीमेल पार्ट हो गया ये वाला, ये फीमेल और ये मेल ठीक है, ये बात ध्यान रखना ठीक है। और सुनना अब क्या होगा, सुनना कि यहां से बेटा, यहां से मेल से क्या हो जाएगा, ये मेल के पास क्या होगी, मेल गैमिट होगी, क्या होगी मेल गैमिट होगी, मेल गैमिट जो होगी यहाँ पे अंदर होती है बेटा, मेल गैमिट है ना, मेल गैमिट जो होगी सबसे पहले किस पे बैठेगी, मेल गैमिट जो होती है किसके अंदर होती है, पोलन ग्रेन के अंदर, किसके अंदर होती है सुनना ऐसे याद करो तुम ठीक पोलन है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये क्या है, ये अपन ये क्या हो गया, ये है पान के चलो पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन ठीक है बेटा, ये क्या है पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है ये है ऑटो बेटा, ये क्या है ऑटो ठीक है, सुनना ढंग से इमेजिन करना ये ऑटो है ठीक है, ऑटो है कह लो या घोड़ी कह लो जो आपकी इच्छा हो, घोड़ी कह लो बेटा, ऑटो मत कहो घोड़ी कह लो, घोड़ी ठीक है घोड़ा ठीक है। पोलन ग्रेन क्या है, इस ये घोड़ा, ये है घोड़ा ठीक है, घोड़ा तो अब ये घोड़े पर बैठ करके कौन जा रही है, सुनना घोड़े पर बैठ करके कौन है, घोड़े पर कौन बैठी हुई है, मेल गैमीट, ये बेटा ये है मेल गैमीट ठीक है, ये क्या है मेल गैमीट, ये मेल गैमीट है बेटा ये वाली है ना, ये मेल गैमीट है। अब क्या होगा, ये मेल गैमीट घोड़े पर बैठ गई ठीक है, और ये किसके पास जाएगा, घोड़ा, तुमने शादी, जब शादी होती है तो कौन जाता है बारात लेकर के, घोड़े पर बैठ करके कौन जाता है, लड़का जाता है लड़की जाती है, लड़की लड़का जाता है ना, तो आप सुनना ये पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये होता है बेटा स्टिग्मा ठीक है, ये क्या है स्टिग्मा, ये वाला कौन सा पार्ट होता है फीमेल का, स्टाइल, और ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है ओवरी बेटा ओवरी, ये वाला कौन सा पार्ट होता है ओवरी ठीक है। तो बेटा ये समझना एक तरीके का दरवाजा है ठीक है, जो लड़की होती है वो अंदर कहाँ होती है बेटा, फीमेल गैमेट जो होती है ठीक है, जब उसकी शादी होती है लड़की की, तो बेटा क्या एक बात बताओ, क्या लड़की बिल्कुल क्या दरवाजे पर खड़ी रहती है क्या ठीक है, क्या स्वागत वागत भी नहीं होता लड़की, तब भी नहीं, लड़की हमेशा क्या रहेगी अंदर अंदर छुपी हुई रहती है ठीक है, और ये दरवाजा लगा रहता है स्टिग्मा, क्या ये दरवाजे हैं ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये फीमेल गैमेट क्या होगी, बिल्कुल पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, नहीं लाल कलर से दिखा रहा हूँ ठीक है, तो ये जो फीमेल गैमिट होगी वो क्या होगी, छुपी हुई बैठेगी बेटा, कैसी बैठेगी, छुपी हुई रहेगी फीमेल गैमिट ठीक है, छुपी हुई रहेगी ठीक है। और बेटा क्या होगा,
पोलन घोड़ा आएगा, ठीक है, घोड़े पर कौन आया हुआ है, हमारा सवार मेल गेमी, ठीक है, ये जाएगा इसके पास, ठीक है, तो ये इसके पास जाएगा आरिवा समय में, और इसके पास जाकर के क्या करेगा, अब स्टिग्मा के पास जाएगा, स्टिग्मा के पास क्या कर देगा, ये घोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये घोड़ा अलग हो जाएगा, ये घोड़ा अलग हो जाएगा, और स्पर्म जो होगा वो इसके अंदर चला जाएगा बेटा, ठीक है, स्पर्म जो होगा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, स्पर्म इसके अंदर चला जाएगा फीमेल गैमीट के पास, ठीक है, आरिवा समय में। तो कुछ इस तरीके से समझना बेटा कि बेटा जो है मान के चलो सुहागरात भी है, तो क्या घोड़ा लेकर के कोई जाता है क्या, कोई मेल गैमीट, मेल जो होता है क्या घोड़ा लेकर के जाएगा क्या सुहागरात बनाने भी, नहीं ना, तो ऐसे समझना इस केस को, जो पोलन ग्रेन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, बाहर ही रह जाएगा पोलन ग्रेन, सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट एंट्री लेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात जो है घर वाला मामला है या बाहर वाला मामला है, देखो इधर, ये जो है ये एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर से मेल गैमीट निकला और उसी फ्लावर के फीमेल गैमीट के पास आया, उसी फ्लावर के फीमेल गैमीट के पास आया, तो ये कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी, कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी ये बताओ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ खुद, सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था लैंग्वेज में, बताया था लैटिन लैंग्वेज में, सेल्फ का मतलब क्या होता है बेटा, अपनी खुद की, है ना, स्वयं खुद, ठीक है, तो खुद खुद के ही फ्लावर का, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, है ना, तो खुद ही की ही मेल गैमीट, खुद ही की ही फीमेल गैमीट के साथ क्या होगी, फ्यूज करवा रही है, क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, तो इसे कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहेंगे बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे, क्लियर है ये बात सबको, यस सुनना मैंने क्या बोला, कि ये एक फ्लावर है बायसेक्सुअल, कैसा फ्लावर है ये, बायसेक्सुअल, ठीक है, तो ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर के अंदर मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये एंथर होता है बेटा, अभी अपन पढ़ेंगे, ये एंथर होता है, ठीक है, ये एंथर है, एंथर के अंदर कौन बैठी हुई है बेटा, ये इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन रहता है, और पोलन ग्रेन यानी घोड़ा, घोड़े के अंदर रहता है मेल गैमीट, ठीक है, घोड़ा क्या, ये क्या होगा, जब भी घोड़ा मेल को लेकर के आएगा, ठीक है, तो घोड़ा तो चला जाएगा बाहर, लेकिन मेल गैमीट कहाँ जाएगी, अंदर, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल रहे हैं, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल तो रहे हैं, लेकिन तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, मेल गैमीट और फीमेल, फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का मिलना बेटा, मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होना, शादी होना बेटा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, तो बेटा ये बात ध्यान रखना, आरिवा समय में शादी हुई है यानी पॉलिनेशन हुई है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो गई यानी मेल और फीमेल गैमीट मिल गए, यानी क्या हो गई, एक तरीके से समझना सुहागरात हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से मेल और फीमेल गैमीट क्या हो गए भाई, मिल गए, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट क्या हो गए, वहां मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, ये क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, अब एक के अंदर ही हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये क्या कहलाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अब सुनना, एक बार रिपीट और कर दो। ये एक बेटा, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है जिसके अंदर क्या है, मेल मेल पार्ट है, क्या पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है, ठीक है, तो इस फ्लावर को अपन क्या कहेंगे, याद है किसी को, क्या कहेंगे इस फ्लावर को, इस फ्लावर को कहेंगे अपन यूनिसेक्स स्टेमिनेट फ्लावर, क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा पार्ट है, मेल पार्ट है, मैंने आपको बताया था, याद करो कौन सा फ्लावर कहलाएगा, ये स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है, स्टेमिनेट वर्ड जो होता है इसके लिए किया जाता है, स्टेमन ये वर्ड जो होता है किसके लिए होता है, मेल पार्ट के लिए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, ठीक है, और एक ऐसा फ्लावर है, सुनना, एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है बेटा, क्या है,
सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल के लिए वर्ड यूज होता है बेटा पिस्टिल, पिस्टिल या पिस्टिल, कौन सा बेटा, ये पिस्तौल नहीं कह रहा, पिस्टिल कह रहा हूं बेटा, पिस्टिल है ना, तो ये पिस्टिल, तो इसलिए इस फ्लावर को कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर बेटा, क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। सर हमारे तो आप मजे ले रहे हो, अभी अभी तो आपने कहा कि जो है ये एक एक फ्लावर एक सेक्स ऑर्गन, तो ये कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हाँ बेटा यूनिसेक्सुअल तो है, यूनिसेक्सुअल तो दोनों है, एक फ्लावर एक सेक्स ऑर्गन यानी यूनिसेक्सुअल, एक फ्लावर एक सेक्स ऑर्गन यानी यूनिसेक्सुअल। लेकिन यूनिसेक्सुअल में भी कौन सा, अब मेल फॉर फ्लावर है, मेल पार्ट है, तो स्टेमिनेट कहलाएगा, स्टेमिनेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, स्टेमिनेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक फ्लावर एक एक पार्ट, लेकिन कौन सा वाला, फीमेल पार्ट, कौन सा वाला, फीमेल पार्ट, तो पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या कहलाएगा, फीमेल है तो फीमेल के लिए वर्ड यूज होता है पिस्टिल, है ना, तो फ्लावर को क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है, क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, चलो, तो एक फ्लावर, ये क्या, कौन सा फ्लावर कहलाएगा, ये वाला पिस्टिलेट फ्लावर। अब क्या होगा, समझना इस बात को, मेल 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 और ये फीमेल है, समझना, अब क्या होगा इसमें कि भाई ये अलग है, ये अलग है, इसमें क्या होगा कि बेटा मेल से क्या होगा, बेटा वही होगा इसके अंदर भी, मेल से क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में, यूनि एक सेक, एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल तो वर्ड यूज करेंगे अपन, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, लेकिन अब कौन सा वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट है ना, तो अपन यूज करेंगे स्टेमिनेट वर्ड, तो स्टेमिनेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है, और इसको में क्या लिखोगे, पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, क्यों, क्यों पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिखोगे, क्योंकि एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन है, हाँ सर, तो वर्ड लिखो भाई, वर्ड यूज करो यूनिसेक्सुअल, अब देखो कौन सा वाला सेक्स है, फीमेल सेक्स है ना, हाँ सर फीमेल सेक्स है, तो यूज करोगे पिस्टिलेट, तो पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात, हाँ सर। अब बताइए क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, सुनना बेटा, वही होगा, ठीक है, जो होता है बेटा मेल गैमेट, मेल गैमेट इसमें क्या होगा, इसके पास जो होगा, इसके पास एक ऑटो होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक ऑटो, ठीक है, ऑटो होगा, ऑटो के अंदर कौन बैठा होगा हमारा, ऑटो के अंदर कौन बैठा होगा, फीमेल गैमेट बेटा, ऑटो के अंदर कौन बैठा होगा, सॉरी मेल गैमेट है ना, क्योंकि बेटा ये मेल है ना, मेल फ्लावर है ना, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा बेटा, ये होगा फीमेल, ये मेल गैमेट बैठा हुआ होगा, ठीक है, मेल गैमेट जो होगा वो कहां पर पहुंच, ये दोनों इधर पहुंचेंगे, ठीक है, मेल गैमेट क्या होगा, अंदर चला जाएगा, मेल गैमेट क्या होगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर चला गया ये, ठीक है, और ये जो होगा, ये ऑटो जो होगा भारी छोड़ देगा, ऑटो जो होगा भारी रह जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऑटो भारी रह गया और ये जो मेल गैमेट है वो अंदर चला गया, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना कि ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसलिए इसे कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि क्या है, फ्लावर अलग अलग है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखो ये क्या था, घोड़ा था, घोड़ा, ठीक है, अब सुनना इस बात को, मुझे एक बात बताओ, ये घोड़ा है और घोड़े के अंदर कौन बैठा हुआ है, ये अपना स्पर्म बैठा है, घोड़े को अपन कहते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, घोड़े को अपन क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन, ठीक है, और बेटा ये जो है, ये पुंतरू सा, ये क्या है सर, ये मेल गैमीट है, ये क्या है बेटा, मेल गैमीट, ठीक है। अब इस बात को समझना क्या हुआ, अब देखो सुनना, अब यहां से जो है मेल गैमीट जो है, ये मेल गैमीट जो है घोड़े पर बैठ करके जा रहा है, ये पोलन ग्रेन क्या है, घोड़ा हमारा, ब्लैक ब्लैक कलर का क्या है, ये पोलन ग्रेन या फिर घोड़ा का हो, ठीक है, घोड़ा, ठीक है। तो अब जो घोड़ा है, मुझे एक बात बताओ, ये बेटा इन दोनों के बीच में अगर मान के चलो हवा है बेटा, सुनना, एक इमेजिनेशन करो, एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, इन दोनों के बीच में हवा है, तो क्या बेटा उड़ने वाला घोड़ा जा सकता है क्या, क्या उड़ने वाला घोड़ा होता है क्या, नहीं सर, तो यानी घोड़े को भी अपन को ट्रेवल कराना होगा, घोड़े को भी गाड़ी पर बैठाना होगा, हाँ बेटा घोड़े को भी गाड़ी पर बैठाना होगा,
घोड़े को भी गाड़ी में बैठाना होगा, यानी क्या होगा? ठीक है, ये कैसे होगा? मान के चलो बेटा एक ये मक्खी है, क्या है बेटा? ये मक्खी है, सुनना, इमेजिन करना, ये मक्खी है। मक्खी जो होगी वो इस फ्लावर पर आएगी। मक्खी किस फ्लावर पर आएगी? इस फ्लावर पर आएगी मक्खी, इस फ्लावर पर आएगी। ठीक है, मक्खी इस फ्लावर पर आई, मक्खी ने क्या होगा, मक्खी क्या करेगी, घोड़े को अपने पास बैठा देगी। ये मक्खी है, मक्खी ने क्या किया, ये मक्खी है, मक्खी है, मक्खी ने क्या किया, घोड़े को अपने साथ जो है चुपका लिया अपने पास ही। ये बेटा ये रहा घोड़ा, ठीक है, ये घोड़ा घोड़े को अपने पास ही चुपका लिया इसने। ठीक है, ये जो घोड़ा था इसको अपने पास इसने चुपका लिया, और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, मेल गैमिट बैठा हुआ है। ये क्या है बेटा, मेल गैमिट बैठा हुआ है। ठीक है, तो मक्खी ने घोड़े को अपने पास चुपकाया और जो है दूसरे फ्लावर के पास आई मक्खी। सुनना, इमेजिनेशन करो बेटा, ये सबसे पहले मक्खी इस फ्लावर पर आई, ये एक फ्लावर है, हाँ सर एक फ्लावर है, इस पर कौन आई, मक्खी आई, हाँ सर मक्खी आई। मक्खी ने क्या किया, घोड़े को लिया, घोड़ा यानी पोलन ग्रेन को लिया, पोलन ग्रेन के साथ साथ कौन आ गया, मेल गैमिट भी आ गया। घोड़ा उड़ नहीं सकता, मेल गैमिट भी उड़ नहीं सकती, मक्खी तोड़ सकती है ना, हाँ सर। तो मक्खी ने क्या किया, घोड़े को लिया, पोलन ग्रेन को लिया, मेल गैमिट को लिया, और क्या किया, यहां से आने के बाद जो है ये किसके पास आ गई, मक्खी इसके पास आ गई। ठीक है, और मक्खी ने घोड़े को भी उतार दिया और मेल गैमिट को भी उतार दिया। ठीक है, घोड़ा तो अलग ही चला जाएगा, घोड़ा तो अलग ही चला जाएगा। ठीक है, लेकिन घोड़ा क्या जाएगा, अलग ही चला जाएगा, लेकिन और मक्खी भी अलग ही चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मेल गैमिट जो होगी वो हमारी फीमेल गैमिट के पास पहुंचेगी। सिर्फ मेल गैमिट किसके पास पहुंचेगी, फीमेल गैमिट के पास पहुंचेगी। ये है फीमेल गैमिट लाल लाल कपड़ों में, ठीक है, ये है फीमेल गैमिट, ठीक है, लाल लाल कपड़ों में शादी के लिए तैयार, ये है हमारी फीमेल गैमिट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात? तो बेटा क्या ये फ्लावर अलग अलग है ना, ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग अलग है ना, हाँ सर फ्लावर अलग अलग है। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्लावर एक ही है, फ्लावर एक ही है, और उसमें जो मेल गैमिट है, जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट के पास आ गई। मेल गैमिट जो है किसके पास आ गई, फीमेल गैमिट के पास आ गई, एक ही फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने खुद ही ने सब कुछ कर लिया बेटा, खुद ही ने सब कुछ कर लिया। क्या यहाँ पर मक्खी की जरूरत पड़ी क्या, सर नहीं पड़ी। क्या मक्खी आई क्या, नहीं आई। क्यों बेटा, बगल बगल में ही है, चुपके हुए हैं बेटा, ये मेल और ये फीमेल बिल्कुल चुपके हुए हैं, लगभग लगभग क्या है, चुपके हुए हैं। तो बेटा क्या क्या यहाँ पर किसी मक्खी की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। तो उन्होंने खुद ही कर लिया फर्टिलाइजेशन, खुद ही कर लिया ये पॉलिनेशन, या खुद ही जो है मेल गैमिट को फीमेल गैमिट में पास पहुंचा दिया, हाँ सर। तो इसलिए कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद ही काम कर दिया, मक्खी की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि सर एक घोड़ा था, घोड़ा जो था ये ब्लू ब्लैक कलर का घोड़ा था, इस घोड़े के अंदर कौन बैठा था, घोड़े पर चढ़ी हुई थी मेल गैमीट, घोड़े पर चढ़ी हुई थी मेल गैमीट, चढ़ घोड़े पर, और जो घोड़ा था, ये फ्लावर और ये फ्लावर, इन दोनों के बीच में बहुत गैप था, इन दोनों के बीच में ये अलग अलग प्लांट थे। ठीक है, या ठीक है, तो इनमें गैप बहुत था। ठीक है, क्या था, गैप बहुत था। ठीक है, तो अब हवा थी बीच में, अब हवा घोड़ा हवा चढ़ नहीं सकता, ये जो ब्लैक कलर का घोड़ा है, काला घोड़ा हमारा, ये हवा में उड़ नहीं सकता। ठीक है सर, हमने उड़ने वाला घोड़ा तो देखा है बेटा, वो तो सिर्फ कल्पना है, वो तुमने ना कार्टून नेटवर्क में देखा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और इस घोड़े को और इस फीमेल गैमिट को तुम्हें अगर उड़ाना है तो एरोप्लेन या फिर मक्खी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मक्खी जो होगी वो क्या कहलाएगी, मक्खी जो होगी वो क्या कहलाएगी, मक्खी सबसे पहले क्या करेगी, मक्खी सबसे पहले घोड़े को अपने पीठ पर चुपकाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है मक्खी आएगी, इधर इस वाले फ्लावर पर आएगी मक्खी, और यहाँ पर जो है मजे करेगी, यहाँ पर डांस करेगी, यहाँ पर इसके साथ खेलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसके साथ खेलेगी, डांस करेगी इसी फ्लावर के अंदर जो है, तो क्या होगा, मक्खी के अंदर कौन चिपक जाएगा, मक्खी से चिपक जाएगा घोड़ा, और घोड़े के साथ कौन चिपक जाएगा, फीमेल गैमीट। ठीक है, ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन, ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन ये क्या है बेटा, बी, ये क्या मक्खी बेटा, बी। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये स्पर्म हमारा, ये क्या है हमारा, स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म है, तो इस पे चुपक गया, इस पर चुपक गया स्पर्म जो है, इस पे मक्खी पर चुपक गया, और जो है मक्खी, जो है मक्खी यहां पर आई, मक्खी यहां पर आई। ठीक है, मक्खी जो है घोड़े को भी लाई, स्पर्म को भी लाई, और फिर वो उड़ गई बेटा, मक्खी उड़ गई। ठीक है, मक्खी उड़ गई,
घोड़ा भी उड़ गया, सिर्फ और सिर्फ जो है मेल जो है, मैंने कहा है आखिरी में क्या होता है, स्वागरात में सिर्फ मेल और फीमेल गैमिट ही मिलते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो मेल गैमिट जो है ये वाला, ये जो दिख रही है आपको ये वाला मेल गैमिट जो है ये वाला, ये मेल गैमिट किसके पास जाएगा, फीमेल गैमिट के पास जाएगा। ठीक है, ये फीमेल गैमिट है, अंदर से लाल लाल कपड़े पहनी हुई है, ठीक है, आर्य वास्तव में सज धज के बैठी है। क्लियर हो गया ये? तो इसे कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें मक्खी का सहारा लिया गया है, बीज का सहारा लिया है। बायसेक्सुअल कैसा होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है बायसेक्सुअल फ्लावर में, खुद ही कर लेता यस है सर। ये, खुद खुद ही फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ये बायसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ये दोनों, ये क्या होगा, आपस में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसमें। इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन जो होंगे, यानी घोड़ा, जो घोड़ा होगा वो क्या होगा, किसके पास पहुंचेगा, याद है मैंने बताया था, दरवाजे के पास पहुंचेगा, स्टिग्मा स्टिग्मा के पास, याद है, क्लियर होता जा रहा है। ये क्या है, स्टिग्मा, दरवाजा, मैंने कहा था जो फीमेल होती है छुपी रहती है, शादी में अंदर रहती है बिल्कुल कमरे के अंदर, तो वो अंदर रहेगी, दरवाजा क्या कहलाएगा, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा ठीक, क्या कहलाएगा, स्टिग्मा, सुनना। तो अब क्या होगा, यहां से मेल गैमिट जो होगी, ठीक है, या पोलन ग्रेन जो होगा, घोड़ा, घोड़ा जो होगा वो किसके पास जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा। तो घोड़ा के लिए जाएगा या मेल गैमीट के लिए को लेकर जाएगा, मेल गैमीट को लेकर के जाएगा, लेकर हाँ मेल जाएगा। गैमीट को लेकर के जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर चलो अब सुनो, अब बात है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर अपन बात करें तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, यूनिसेक्सुअल में, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल में कौन सा होता है, देखो ये यूनिसेक्सुअल है फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, देखो ये यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कौन सा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कौन सा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यूनिसेक्सुअल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसकी किसकी मदद से होता है, किसकी मदद से होता है, इंसेक्ट की, बर्ड की, ठीक है, बर्ड की, मक्खी की, या जो है ये देखो मक्खी, ये मक्खी इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू जो है घोड़ा ले जाया जा रहा है या मेल गैमीट को ले जाया जा रहा है, ठीक है, मेल गैमीट को फीमेल के पास घोड़े से किसकी, मक्खी के द्वारा ले जाया जा रहा है, ठीक है। और मान के चलो ये कई बार ये जो है ये भी हेल्प करती है, कौन, बर्ड भी हेल्प करती है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है सबको, ठीक है। बायसेक्सुअल कौन से फ्लावर होते हैं, बायसेक्सुअल कौन से फ्लावर होते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं, गैमीट नहीं, देखो समझना, गलती करते हैं कुछ बच्चे, क्या लिखे आते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों मिल जाए उसे बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, नहीं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टेमन, याद है, स्टेमिनेट फ्लावर है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो ये ऐसा देखा था, ये ऐसा देखा था, ये इसे कहते हैं बेटा स्टेमन, इसे क्या कहते हैं, स्टेमन, तुमने ऐसा देखा था, ये इसे कहते हैं कार्पल, इसे क्या कहते हैं, कार्पल है ना, तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टैमन कहते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर जिसके अंदर स्टैमन होता है, जो फ्लावर जिसके अंदर ये फुंतरू होता है उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, और स्टेमिनेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जो फ्लावर जिसके अंदर ये वाला फुंतरू होती है, ठीक है, उसे कहते हैं, ठीक है, पिस्टलेट या कार्पल, एक ही बात है बेटा, कार्पल या पिस्टल एक ही बात है, मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है, पिस्टल या कार्पल एक ही बात है, ठीक है, ये बात सुन लेना ढंग से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, तो बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर में ये भी होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, ये भी होता है और ये भी होता है,
ठीक है, ये स्टेमन भी होती है, स्टेमन भी होता है, और कार्पल या फिर पिस्टिल जो जो आपकी कहना हो, वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहलाएगा बायसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है ये बात? एक डाउट आप पूछो बेटा, क्या बोला बेटा, क्या डाउट है? है जो ह्यूमन है ना हाँ सर, वो ह्यूमन बेटा, ह्यूमन बेटा यूनिसेक्सुअल है ना बेटा, मुझे एक बात बताओ, यूनिसेक्स देखो, ह्यूमन जो है एक ही ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर जो अगर आप देखोगे, अगर ये मेल है तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा उसके अंदर, फीमेल नहीं रहेगा, एक बॉडी एक सेक्स ऑर्गन, एक बॉडी एक सेक्स ऑर्गन, तो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल बॉडी, ये क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अगर अगर एक बॉडी के एक बॉडी होती और दोनों ऑर्गन होते तो वो क्या कहलाता? बायसेक्सुअल। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमारे ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक बॉडी एक फ्लावर, दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो ये क्या कहलाएगा? बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहलाएगा? बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर दोनों, ठीक है, दोनों दोनों ऑर्गन्स, तो बायसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है ये बात? ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा, ये एक मेल पार्ट है पूरा का पूरा, इसे अपन कहते हैं स्टेमिन, इसे अपन क्या कहते हैं? स्टेमिन कहते हैं पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप देखोगे इसके इसका ऊपर वाला फूला हुआ पार्ट, इसे कहेंगे एंथर, और ये पतला डंडी जैसा पार्ट, इसे कहेंगे फिलामेंट। इसे क्या कहेंगे? फिलामेंट। यानी फिलामेंट एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट दोनों अगर मिल जाए तो क्या बनेगा? एक स्टेमन बनेगा। क्या बनेगा? स्टेमन। स्टेमन एक मेल पार्ट है, स्टेमन क्या है? एक मेल पार्ट है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी अगर अपन बात करें, सुनो ढंग से, ये क्या है? ये पूरी की पूरा जो ये फुंतरू है, ठीक है, मटके जैसा स्ट्रक्चर जो है, इसे कहते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल। ये एक फीमेल पार्ट है, फीमेल, ये एक फीमेल पार्ट है, इस पूरे पार्ट को कहेंगे कार्पल या पिस्टिल। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है बिल्कुल चिपचिपा, इसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टिकी होता है थोड़ा ये, ठीक है, स्टिग्मा। ठीक है, आरिबा समय में मेल गैमिट जो है चिपक जाती है, इससे मेल गैमिट जो है चिपक जाती है, स्टिग्मा याद रखना, स्टिग्मा, स्टिकी, स्टिग्मा, स्टिकी, ठीक है। और ये जो स्टाइल अलग ही दिख रही है, स्टाइल, इसे कहेंगे स्टाइल। और ये जो गोल गोल दिख रही है, इसे कहेंगे ओवरी। यहाँ पर बैठी रहती है हमारी, ओवरी के अंदर बैठा रहता है हमारी फीमेल गैमिट, ओवरी के अंदर बैठी रहती है हमारी फीमेल गैमिट, ये बात ध्यान रखना। और एंथर के अंदर बैठी रहती है, एंथर के अंदर रहती है फीमेल गैमिट, ये बात ध्यान रखना। क्लियर ये बात? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिला करके, तीनों मिला करके क्या कहेंगे अपन? तीनों को मिला करके कार्पल या फिर पिस्टल यस कहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हुआ ये बात? सर, सुनो भाई, अब जो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको जो है ये लैंग्वेज बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो है वर्ड्स यूज होते हैं, कहीं भी वर्ड माइक्रो आए, माइक्रो, माइक्रो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का वर्ड होता है या लार्ज, ठीक है। कीमो का वर्ड मतलब होता है केमिकल, जू का मतलब होता है एनिमल, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। और कहीं भी वर्ड बायोलॉजी में फाइटो आ जाए तो साफ साफ समझ लेना, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जू और फाइटो के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनना ढंग से। देखो भाई, ये पानी है, वाटर है, वाटर के अंदर आपको क्या दिखेंगे? वाटर के अंदर आपको जो है जू प्लैंकटॉन भी दिखते हैं तैरते हुए, और फाइटो प्लैंकटॉन भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जीव जो है पानी में तैरते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला प्लांट है, कौन सा वाला एनिमल है, कोई बता सकता है? तो ये वाला जो जो, जो फाइटो प्लैंकटॉन होगा, वो नाम से समझ में आ रहा है, फाइटो यानी प्लांट और जू यानी एनिमल। तो बेटा ये जू प्लैंकटॉन एनिमल है, फाइटो प्लैंकटॉन क्या है? प्लांट है, ठीक है। अब जब भी मैं कोई चीज रिपीट करता हूँ, नई चीज बताता हूँ, तो सुनो ढंग से क्या बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये वाला इसको खाएगा या ये वाली इसको खाएगा, ऐसे सोच के बताओ दिमाग से, क्या ये जो जू प्लैंकटॉन होगा वो फाइटो प्लैंकटॉन को खाएगा या फाइटो प्लैंकटॉन जू प्लैंकटॉन को खाएगा? दिमाग से सोचो, कोई बता सकता है? वेरी गुड, सुनना ढंग से। जो एनिमल हमने देखा है ना बेटा, ये तो देखा ही होगा, हमेशा जो होता है कौन खाता है? जो एनिमल वाला होता है, ठीक है, एनिमल जो होता है वो किसको खाता है? प्लांट को खाता है। एनिमल किसको खाता है? प्लांट को खाते हो। तुम लोग क्या हो? एनिमल हो कि नहीं हो? सर हम तो ह्यूमन है। तो बेटा ह्यूमन भी तो एनिमल में आता है, आते हैं, तो ह्यूमन क्या है? एनिमल में आते हैं ना, एनिमल में ह्यूमन। तो बेटा अपन ह्यूमन क्या खाते हैं? प्लांट को खाते हैं ना, यानी एनिमल प्लांट को खा रहा है ना। हाँ, तो बेटा ये जू प्लैंकटॉन जो होगा
किसको खा जाएगा, किसको चबा जाएगा बेटा? इसको चबा जाएगा, ये जू प्लैंकटॉन। किसको? ये जू प्लैंकटॉन है, ये फाइटो प्लैंकटॉन है, ये जू प्लैंकटॉन जो होगा इसको खा जाएगा बेटा, निकल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए जो है ये वो हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? देखो बेटा, समझना इस बात को, सिन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। ठीक है, और सुनना, अब देखो ऐसे एक वर्ड आया है सिनगेमी। ठीक है, तो अब सिन का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और गेमी का मतलब गैमेट्स। तो जब गैमेट्स पास में आ जाए, ठीक है, तो ठीक है उसे क्या कहते हैं? सिनगेमी। सिनगेमी जो होता है वर्ड, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। सिनगेमी जो वर्ड है आपके फर्स्ट बुक में लिखा हुआ है। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगेमी भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन में भी क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट पास आते हैं। ठीक है, और सिनगेमी में भी क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट क्या आ रहे हैं? टुगेदर आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है? स्लैश लगाया है, यानी दूसरा नाम। फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है? सिनगेमी है। ये बात ध्यान में रखना, जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट क्या आते हैं? पास पास आते हैं, टुगेदर आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सुनना, देखो भाई, ये वाले जो वर्ड है सारे के सारे, इधर जो आप वर्ड देख रहे हैं उनका वो जो वर्ड होते हैं ये पहले यूज होते हैं ये। ठीक है, जैसे हर्ब, प्लांट, ठीक है, ठीक है, मैक्रो, लार्ज, ये सारे वर्ड प्रीफिक्स कहलाते हैं, पहले यूज होते हैं ये वाले। और ये वाले वर्ड जो होते हैं सफिक्स यूज होते हैं, बाद में यूज होते हैं। ये वाले वर्ड क्या होते हैं? बाद में यूज होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी यहां पर, ठीक है, सिन, यहां पर मैं लिख देता हूं गैमी। ठीक है, यहां पर एक लिखता हूं गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी का मतलब क्या बताया था? गैमीट। ठीक है, तो आपने क्या लिया? सिन को लिया और गैमी को ले लिया, तो क्या वर्ड बन गया आपका? सिनगैमी। क्या बन गया? सिनगैमी, यानी सिन का मतलब होता है टुगेदर, गैमी का मतलब होता है गैमीट्स। ठीक है, तो जब जो है गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब पास में आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? सिनगैमी। और सिनगैमी को एक दूसरा नाम को क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजेशन कहलाया जाता है। ठीक है, आरिवा समय में, अब ऐसी समझना, सुनना ढंग से, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फोटो, फोटो। ठीक है, एक वर्ड फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब यूज क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? सुनना, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। तो अगर मैं, सुनना, अगर मैं यहां पर लिखूं, मैंने ये दो वर्ड यूज कर रहा हूं, देखना कैसे मजे आएंगे, वर्डों के साथ खेल रहे हैं। मैंने एक वर्ड लिया फोटो, ठीक है, तू खींच मेरी फोटो, है ना, ये वाली वाली फोटो नहीं है बेटा, ये फोटो बायोलॉजी में यूज होती है, ये वाला वर्ड बायोलॉजी में यूज होता है, फोटो यानी लाइट। ठीक है, अब मैंने फोटो और मैंने ये ले लिया सिंथेसिस, ठीक है, ठीक है, इन दोनों वर्ड को ले लिया, तो इसका मतलब देखो क्या होता है, सुनना ये, अब समझना। ठीक है, फोटो और क्या लिया मैंने वर्ड? सिंथेसिस, ये एक वर्ड हो गया बेटा। ठीक है, और ऐसे ही सुनना ढंग से, मैंने एक लिया वर्ड फोटो और एक ले लिया बेटा मैंने वर्ड ले लिया लाइसिस, एक वर्ड क्या ले लिया मैंने? लाइसिस, है ना, एक वर्ड मैंने क्या ले लिया? फोटोलाइसिस। क्या ले लिया बेटा? फोटोलाइसिस। ठीक है, क्या ले लिया? फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, सिंथेसिस का वर्ड देखो मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, यहां क्या लिखोगे? फॉर्मेशन। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में, क्या कहने का मतलब क्या है? लाइट फॉर्मेशन मतलब क्या? लाइट की प्रेजेंस में बनना, खाना बनना, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? जो खाना बनता है ना प्लांट के अंदर, ये प्लांट है, हाँ सर ये प्लांट है, तो इसको क्या चाहिए रहती है? सनलाइट चाहिए रहती है। क्या चाहिए रहती है? सनलाइट चाहिए रहती है। लाइट चाहिए रहती है, हाँ सर। लाइट 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 में क्या बनाता है? लाइट में बनाता है सर ये खाना। क्या बनाता है? फूड बनाता है। ठीक है, फूड को सिंथेसिस करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये क्या है बेटा? लाइट। ये क्या है? लाइट। ठीक है, तो लाइट के लाइट में क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। किसका किसका फॉर्मेशन कर रहा है? तुम्हारा, मेरा या खाने का? प्लांट किसका फॉर्मेशन करता है? लाइट लेकर के खाने का प्रोडक्ट वो करता है, खाने का फॉर्मेशन करता है, इसलिए कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना, ठीक है, फॉर्मेशन। अब जैसे मैंने वर्ड यूज किया फोटोलाइसिस, क्या वर्ड यूज किया? फोटोलाइसिस। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना।
ब्रेक करना यानी तोड़ना, तो लाइट की प्रेजेंस में तोड़ना, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्या करना, तोड़ना। जैसे मान के चलो क्लोरीन ले लिया मैंने, कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया, क्लोरीन Cl2 ले लिया, ठीक है, ये Cl2 यानी Cl के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, बॉन्ड, ये क्या होगा, बॉन्ड होगा Cl के बीच में, वो कहलाएगा क्लोरीन, ठीक है। अगर मैंने इसके में क्या डाल दी, लाइट डाल दी, क्या डाल दी मैंने, लाइट डाल दी, लाइट समझना इसको, लाइट डाल दी मैंने, ऐसे लाइट डाल दी भर भर के, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन का, ये क्या होगा, क्लोरीन अलग अलग, क्लोरीन अलग, दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, तुम ये फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, क्लोरीन क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, ये तुम छोड़ो, तुम तो बस ये छोड़ो कि क्लोरीन क्लोरीन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या हुआ, ये क्या है बेटा, लाइट, ये क्या है, लाइट, और हो क्या गया, हो क्या गया, यहाँ पर टूट गया, बॉन्ड टूट गया, तो इसे कहेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है, ऐसे क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है, ब्रेक, ये क्या हो गया, ब्रेक, ठीक है, बॉन्ड टूट गया ना बेटा, तो ब्रेक हो गया, तो इसलिए इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, लाइट के लिए वर्ड यूज होता है फोटो, और ब्रेक के लिए वर्ड होता है यूज लाइसिस, तो ये क्या हो गया बेटा, फोटो लाइसिस, ये क्या हो गया, फोटो लाइसिस, ठीक है। अब ये वर्ड जो है लगातार यूज होते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स वैसे यूज होंगे बेटा, ये इनके साथ मजा किया जाता है, इनके साथ खेला जाता है बायोलॉजी में, है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो अब ये वाला, ये इसको किसी और के साथ जोड़ दो, ठीक है, इसको किसी और के साथ जोड़ दो, तो ऐसे नए नए वर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, और ये अपन को समझना है, रटना नहीं है इन चीजों को, ठीक है, तो ये काफी काम आएंगी पूरी बायोलॉजी में, बायोलॉजी को रटना नहीं है, समझना नहीं है, समझना है उसके लिए ये वर्ड यूज होंगे, ठीक है, तो ये याद कर लेना बेटा वर्ड, कल मैं पूछूंगा, ठीक है, चलिए।